अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा, चंडीगढ़ लोकतंत्र की हत्या का केंद्र बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी की है, मेयर पद कोई छोटा नहीं होता, लेकिन भाजपा के पदाधिकारी यह सब किया है। उम्मीद थी कि सबक लिया होगा, लेकिन सबक नहीं लिया। यह घटनाक्रम पूरे देश में चर्चा का विषय है। देश का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा, इसको लेकर पीएम मोदी दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं। इसके चयन को लेकर एक पैनल बनाया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 150 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। 2024 के चुनावों में भी यह खेलना चाहते थे और मोहरों को ऐसे पद पर बैठाना चाहते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त से पिछले काफी समय से मिलना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन पिछले 5 माह से वह मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। तभी भारत जोड़ो नया यात्रा राहुल गांधी जी ने शुरू की थी। 4000 किलोमीटर की यात्रा थी जो सफल रही, और अभी भी यात्रा चल रही है, और अभी भी राहुल गांधी उड़ीसा में हैं। मेरा 3 दिवसीय दौरे पर चंडीगढ़ हूं और कई मीटिंग करूंगी। न्याय किसे चाहिए? 10000 किलोमीटर की यात्रा है, एक पोस्टर भी दिखाया है। वाराणसी में सामूहिक बलात्कार हुआ, जिन्होंने किया वह बीजेपी के नेता है। क्या संवैधानिक संस्था दबाव नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के दबाव में कार्रवाई होती है। इनके विधेयक सांसद अपराधियों को बचाने में जुटे हैं। पीएम मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को नारा देते हैं। ऐसे ही हरियाणा में मंत्री संदीप सिंह पर मामला है, पर कार्रवाई नहीं हुई। दिल्ली में और आप खामोश हैं बेटियों के साथ हो रहे अपराधों को लेकर। गुजरात यात्रा जाएगी जब पूर्व से पश्चिम से मणिपुर की बात करती हूँ मैं, या साक्षी मलिक की हरियाणा में बात करती हूँ, या उत्तर प्रदेश के बीएचयू की बात करती हूँ बेटी की, तो मैं आपको गुजरात की बिल्किस बांधूंगी, क्योंकि अकेली नहीं है, आदिवासी बेटियां भी हैं, साक्षी मलिक भी है, तो बिल्किस बानो भी है। या आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि बेटी बचाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री जी, जिस लाल किले से बेटी बचाओ का नारा दिया था 15 अगस्त 2 के नाम पर, आप देखें पूंजीपति मित्रों का कर्ज। अभी पार्लियामेंट में सवाल पूछा, मात्र 5 साल में 10 लाख करोड़ पूंजीपति मित्रों का माफ हुआ, 10 लाख करोड़। और जब किसानों का पूछा गया तो कोई आंकड़ा कोई जानकारी इनके पास नहीं है। देश के लोगों के साथ लगातार धोखा हो रहा है। ये आपके दावों की पोल खोलता है कि आप कहते हैं बेरोजगारी नहीं है, लेकिन आप जब कहते हैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का सरकारी राशन देंगे, ये फिर इस पे मोहर लगाता है कि बेरोजगारी भी है और महंगाई भी है। बेटी बचाओ का नारा देने वाले बात साक्षी मलिक की ही नहीं है, मणिपुर में आदिवासी बेटियों को पुलिस सुरक्षा के घेरे से बाहर घसीट कर लाया गया, नथ करके सामूहिक बलात्कार हुआ। डबल इंजन की सरकार चल रही है मणिपुर में। प्रधानमंत्री जी असम से लौट आते हैं रोड शो करके, क्या कारण है? 8 महीने से डबल इंजन की सरकार में उन्हें तुरंत भर्ती दिए जाना चाहिए। अग्निपथ भर्ती ने पंजाब का अमृतपाल, शहीद अमृतपाल 19 साल का, अग्निपथ में भर्ती होती है, सरहद पे जवान हमारा खड़ा है 19 साल का, शहीद हो गया। लेकिन क्या किया आपने? अन्याय किया, उससे शहीदी का दर्जा छीन लिया गया। वो शहीद हुआ लेकिन वो शहीद नहीं कहला रहा है, क्योंकि उसकी भर्ती ठेके पर अग्निपथ में किया आपने। हम चाहते हैं कि शहीद के शहीदी का जो दर्जा है वो उन्हें मिलना चाहिए, चाहे अमृतपाल हो चाहे कोई भी। जवान जब सेना में जाता है, शहीद होता है, तो उसका शव सफेद कफन में नहीं, तिरंगे में लिपट कर आता है। आपने अग्निपथ में सपूत सैटेलाइट से हमारे बहुत से सपूत हमारे सामने भी है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की क्या मजबूरी है? क्यों चीन के सामने झुके हुए हैं? क्यों उन्हें बार बार क्लीन चिट देते हैं? ये कह के कि ना कोई घुसा हुआ है, ना कोई घुसा हुआ था। 24 का चुनाव देश का चुनाव है, इसलिए ये जो मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगार युवाओं का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, सरहद पे खड़े हमारे जवानों का मुद्दा हो, हमारे श्रमिकों का मुद्दा हो, हमारी आदि आबादी के हक अधिकार और उनके साथ हो रहे अन्याय का बात हो, इन सभी मुद्दों को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और खासतौर से मैं इस आदि आबादी के लिए कहूंगी, पुलिस ने गृह मंत्रालय के दबाव में भाजपा के सांसद के खिलाफ FIR नहीं होने दी। हम धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई दिल्ली पुलिस को,
कि कार्रवाई करिए और तब जाकर ब्रजभूषण शरण भाजपा के सांसद के खिलाफ गंभीर यौन उत्पीड़न में FIR होती है। लेकिन कार्रवाई गिरफ्तार हुए ब्रजभूषण शरण, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ का नारा देते देते खुद और इनके विधायक इनके सांसद अपराधियों को बचाने में अरेस्ट करके बैठा दिया। क्या मांग है इनकी? और युवा न्याय में कांग्रेस राहुल गांधी जी का बिल्कुल ये कहना है, अग्निपथ भर्ती ठेके की योजना को जो 4 साल के लिए, इसे तुरंत रद्द किया जाए। हम अग्निपथ भर्ती योजना के सख्त खिलाफ है, इसे रद्द होना चाहिए। पक्की भर्तियां सेना में जो थी वो बहाल होनी चाहिए। 1.5 लाख सिंह सेंगर उत्तर प्रदेश से भाजपा के विधायक है, पार्टी से निकाले नहीं गए, नाबालिग बेटी के बलात्कार के दोषी है, उम्र कैद की सजा काट रहे। ये राम दुलारे गौर है जो पिछले महीने नाबालिग बेटी के बलात्कार के दोषी करार दिए गए, उम्र कैद हुई है। ये भी भाजपा के अभी तक सम्मानित सदस्य है। चिन्मयानंद, कन्हैयालाल मिश्रा, ये सभी लोग भाजपा के विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं और केंद्र में प्रधानमंत्री। अब राहुल गांधी जी की लड़ाई जो न्याय, जो हमारा पोस्टर भी कल हमारी महिला कांग्रेस ने जारी किया देश भर में, नारी न्याय है तैयार। इन बेटियों की लड़ाई लड़ने को, इन्हें न्याय दिलाने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे नेता इन बेटियों को न्याय का हक मिल देता, उनकी ये यात्राएं करें या हमारी ये लड़ाई करें, लोकतंत्र में हमारी आवाजें उठती रहेगी और हम इस लड़ाई को पूरे दम से लड़ेंगे। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।